क्या देख रहे हैं आप? आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर श्रावस्ती से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है और सुर्खियों में स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है। बीते दिन सांप के काटने से बुजुर्ग की मौत हुई थी। सीएससी मलहीपुर लेकर आए थे तीमारदार, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन यहां पर फार्मासिस्ट संजय वर्मा जो है वो उनका इलाज कर रहे थे। मृतक के शव को ही भिनगा जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, यानी कि मृत घोषित नहीं किया लेकिन शव को रेफर कर दिया। शव को ले जाने के लिए सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी और ना ही स्ट्रेचर था। तीमारदारों को मजबूरन खुद की मोटरसाइकिल पर बुजुर्ग का शव ले जाना पड़ा। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें मलहीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है। श्रावस्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलहीपुर का ये पूरा मामला है। अमरोहा में कार ने बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, टक्कर लगने से दो युवकों की मौत। बाइक से कोचिंग जा रहे थे दोनों मृतक। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कार चालक को पुलिस ने धर दबोचा। थाना गोगवा सादर क्षेत्र के अमरोहा नौगवा मार्ग का ही पूरा मामला है। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग के दौरान हुई मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश निकटवर्ती जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। घायल बदमाश को हरिद्वार में रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में आगामी मॉनसून की दृष्टिगत जिला मुख्यालय सभागार में बैठक आयोजित की है, जिसमें हरिद्वार रुड़की नगर क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी संबंधित में विस्तृत चर्चा की गई और ड्रेनेज योजना के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने नगरीय क्षेत्र रुड़की सीवरेज ड्रेनेज योजना और हरिद्वार नगरीय क्षेत्र में बरसात के दिनों में जल भराव सीवरेज की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि डीपीआर में सभी पहलुओं का समावेशन किया जाए, आवश्यकता अनुसार सर्वे कराया जाए, परिसमन के अनुसार ही डीपीआर तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करे। तो देखते हुए कि आगामी समय में जो बारिश होगी हमारी 25 तारीख के बाद, जैसा रहता हमेशा कि 25 तारीख के जून के बाद हमारी बारिश होती है, और पुराना अनुभव जो हमारे विगत वर्ष का रहा है कि बरसात के दौरान हमारे सारे तो वो दिक्कत इस बार ना हो, उसके लिए जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में हैं और रूरल एरियाज में जो जो नाले विशेष पड़ते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, खासकर छोटे नाले भी हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है। थराली विधानसभा में देवाल घाटी के दुरस्त गाँव को जोड़ने वाली थराली देवाल वाण मोटर मार्ग का नाम जरूर बदला, लेकिन ना तो सड़क की हालत बदली है और ना ही मोटर पुलों की स्थिति। नंदा देवी राजद मार्ग पर देवाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरिपुर के पास बने मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके चलते मोटर पुल पर बनाए गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि लोक निर्माण विभाग के अधीन इस सड़क पर इस मोटर पुल पर निर्माण 1980 के आसपास हुआ था और ये मोटर पुल बी श्रेणी का है। पुल की अधिकतम भार क्षमता 16.2 टन है। बावजूद इसके बीते कुछ समय आए ओवरलोड डंपर और भारी वाहनों की आवाजाही इस मोटर पुल से हुई है। मोटर पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए हौज मलबे से बंद पड़े हैं, जिसके चलते अक्सर पुल पर पानी का जलभराव होता है। अब ऐसे में लगातार पानी जमा होने से, रखरखाव सही ना होने से, भारी वाहनों की आवाजाही से मोटर पुल पर गड्ढा हो गया है। रुड़की का सिविल अस्पताल अक्सर अपने विवादों से चर्चाओं में बना रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों ही इस पूरे मामले में उलझकर रह गए हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल से बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर महिला के घर में जुड़वा बच्चे होने की खबर से मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ठोई गांव निवासी गुलाब सिंह अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक बच्चे को पैदा कराया गया और डॉक्टर्स के द्वारा तीमारदारों से महिला को यह कहकर रेफर कर दिया कि बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वहीं परिजन जच्चा महिला को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से ऋषिकेश एम्स लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भ में बच्चे का चेकअप किया गया तो बच्चा गर्भ में मौजूद नहीं मिला, जिसकी खबर डॉक्टर ने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। वहीं परिजन रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से दूसरे बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई तो डॉक्टर्स द्वारा अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ी होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। वहीं पीड़ित ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर देकर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बच्चा कहाँ है उसे ढूंढने की भी मांग की है। वहीं महिला के पति गुलाब सिंह का कहना है कि उनके द्वारा पहले भी दो अलग अलग जगहों से अल्ट्रासाउंड कराए गए थे, जिनमें जुड़वा बच्चे रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। गुलाब सिंह का आरोप है कि उन्हें सिविल अस्पताल से डिलीवरी के दौरान एक मृत बच्चा प्राप्त हुआ और दूसरे बच्चे के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर उड़की पुलिस और सिविल अस्पताल प्रशासन बारीकी से जांच में जुटा हुआ है। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इस पूरे मामले पर हमारी ओर से एक टीम गठित कर दी गई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे संज्ञान में ये मामला वर्बली 2-3 दिन पहले आ गया था और ऑफिशियली आज ही हमें थाने से लेटर प्राप्त हुआ है
और इस संबंध में मैंने CMO को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के हैं पूरी जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है हैं तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। चमोली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत SOG और कर्णप्रयाग थाना पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। SOG और कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ 27 साल के युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गैरसेन रोड पर आदि बद्री के समीप भटोली से स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। स्मैक के साथ पकड़े गए युवक के खिलाफ NDPSC के तहत मामला दर्ज किया गया है। गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए एक फैमिली सदस्य के साथ देवानंद जी राजस्थान द्वारा सूचना है कि अमित दत्त माथुर जयपुर राजस्थान से अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ गंगोत्री धाम में दर्शन करने आए 26 तारीख को और रात्रि विश्राम किया। इसके बाद गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस पहुंचे, हर्षिल में पहुंचे 27 तारीख को। गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद भैरव घाटी के गरतांगली ट्रैकिंग पर गए। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस हर्षिल में पहुंच गए, लेकिन 28 तारीख को सुबह 10 बजे गेस्ट हाउस हर्षिल से चेकआउट कर उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान कर गए। 10 बजे के बाद व्यक्तियों से फोन पर कोई वार्ता नहीं हो पाई है, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं थाना हर्षिल के पुलिसकर्मियों ने गुमशुदा यात्रियों की खोजबीन करने, उनको सही सलामत रेस्क्यू करने के लिए उत्तरकाशी भेज दिया गया है टीम को। वहीं यात्रियों ने थाना हर्षिल पुलिस का धन्यवाद किया। गृहमंत्री अमित शाह का आगमन, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। पंकज चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के लिए जनसभा कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह और यहां पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज ग्राउंड में यह आगमन हुआ। श्रावस्ती में बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे खाई में पड़ा मिला युवक का शव। क्षतिग्रस्त बाइक बंगहा बाजार से अपने घर जा रहा था युवक। हादसे की जताई जा रही आशंका, राहगीरों ने घायल युवक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। रमेश पासवान चौधरी निवासी बनखुरा के रूप में हुई युवक की पहचान। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र भींगा के बंगहा सलारपुर मार्ग स्थित बंगही के पास का एक पूरा मामला है। अमेठी में मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। गांव के ही दबंगों ने घर में महिलाओं को पीटा। मारपीट में घायल हुई विपक्षी महिलाएं न्याय के लिए SP ऑफिस पहुंच कर दी तैयारी। जामो थाना क्षेत्र के रेशी गांव का ही पूरा मामला है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। गेहूं लेने के लिए पुराने गांव मिश्री पूर्वा आए हुए थे बाइक सवार। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए पहुंचाया गया CSC मलहीपुर। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला चिकित्सालय भींगा रेफर कर दिया गया। मलहीपुर थाना क्षेत्र के भंगहा मलहीपुर मार्ग के सर्रा गांव के पास की पूरी घटना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुचर्चित रहे दोहरे हत्याकांड की नाबालिग आरोपी लड़की हरिद्वार से पकड़ी गई है। नाबालिग आरोपी लड़की हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में हरकी पौड़ी के पास स्थित एक होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह फरार हो गया। हरिद्वार के SSP प्रवीण सिंह डोबाल ने जानकारी दी है कि आरोपी के मिलने की पुष्टि होने के बाद जबलपुर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद लड़की को उनके सुपुर्द किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में मार्च महीने में पिता और बेटी की निर्मम हत्या हो गई थी। दोहरे हत्याकांड में नाबालिग लड़की द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई और पिता को मारा गया है। जबलपुर पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, इसी समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल के पास में एक जोड़ा है जिसमें एक लड़का जिसका नाम मुकुल कुमार सिंह है, उसके साथ एक लड़की भी वहां पर है जिसको पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह जो वांछित था वो फरार हो गया। लड़की के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से 302-201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ पैदल मार्ग पर हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या करने में आरोप में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए जनपद पौड़ी के SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 25 मई को लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ पैदल मार्ग पर एक महिला का शव पुलिस को मिला था, जिसके गले में निशान एक दुपट्टा लिपटा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। CCTV कैमरे की फुटेज में मृतका के साथ 2 महिलाएं एक पुरुष नीलकंठ मंदिर में दिखाई दिए हैं, जबकि जानकीपुर के पास मृतका कैमरे में दिखाई नहीं दी। हरियाणा नंबर की कार में बैठकर मृतका के साथ ही वापस जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। कार के नंबर से पता चलता है कि कार गुड़गांव में रहने वाले अशोक की है।
चारधाम यात्रा करके वापस लौट रहे श्रद्धालु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यवस्थाओं से काफी खुश है। पुलिस की मधुर वाणी और कार्यशैली को लेकर भी श्रद्धालु जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चारों धाम में पुलिस हर संभव मदद करके श्रद्धालुओं का दिल जीतने का काम कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यवस्थाओं से खुश गुजरात और राजस्थान के 18 श्रद्धालुओं का दल मुनिकरेती कैलाश गेट पुलिस चौकी पहुंचा। श्रद्धालु को देखकर पुलिस ने सोचा कि जरूर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है, जिसकी शिकायत लेकर श्रद्धालु पुलिस चौकी आए हैं। लेकिन पुलिस की सोच को श्रद्धालुओं ने गलत साबित कर दिया। श्रद्धालुओं ने पुलिस को कहा कि वो चारों धाम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई व्यवस्थाओं से काफी खुश है। पुलिस की मधुर वाणी और कार्यशैली से भी उनको अपनी ओर आकर्षित किया है, इसलिए वो चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री और पुलिस को शुक्रिया कहने आए हैं। श्रद्धालुओं के टीम लीडर जोधपुर निवासी मनीष बागड़ी ने बताया कि उत्तराखंड की पुलिस अपने नाम के अनुरूप मित्र पुलिस का काम करके श्रद्धालुओं का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। मनीष बागड़ी नाम है मेरा, जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं चार धाम की यात्रा कर रहा था। मेरा ग्रुप है 18 जनों का, उस ग्रुप में हमको बाबा के दम पे बहुत मेहरबानी रही, लेकिन पुलिस भी हमको बहुत अच्छी लगी। यहाँ की बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के और बहुत ही हेल्पफुल हैं, और इनका मेरे को मैनेजमेंट भी सारा अच्छा लगा। लेकिन कुछ संदेश में असामाजिक तत्वों को भी देना चाहूँगा, जो बीच में से रोड को काट के आगे जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइन को काट के लाइन से निकल कर आगे लगने की कोशिश करते हैं। कासगंज में सब्जी लेने जा रहे युवक के विद्युत पोल में करंट आने से मौत हो गई। 35 वर्षीय युवक सुरेंद्र कुमार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर मुआवजे की मांग। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में इन दोनों धामों पर श्रद्धालुओं के आगमन का क्रम निरंतर जारी है। इस यात्रा काल में कपाट खुलने के 17 दिनों के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका है। यात्रा शुरू होने के 17 दिनों के भीतर धामों में पहुंचने वाली यात्रियों की तादाद पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री धाम में 39% और यमुनोत्री धाम में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है। रायबरेली में जिला अस्पताल के पास श्वेता पैथोलॉजी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जान बचाकर भागे पैथोलॉजी के कर्मचारी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली के जिला अस्पताल चौराहे की पूरी घटना। श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर 2 साल से युवक 18 साल की युवती से करता रहा यौन शोषण। कई बार शारीरिक संबंध बनाकर आपत्तिजनक वीडियो भी किए रिकॉर्ड। जानकारी होने पर परिजनों ने आरोपी के माता पिता से विवाह करने की बात कही। आरोपी के परिजनों ने विवाह करना स्वीकार किया। गोदभराई भी हुई, मंगनी हुई। प्राथमिक विवाह रस्म होने के बाद आरोपी और परिजनों ने विवाह करने से इनकार कर दिया। शारीरिक संबंध का अश्लील वीडियो पीड़िता के भाई को शेयर कर दिया। पीड़िता और परिजनों को शिकायत करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित युवती ने एसपी के साथ आईजी डीआईजी महिला आयोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र दिया है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का मांग की गई है। जिले के भिंगा कोतवाली क्षेत्र के बगराव बकवा गांव का एक पूरा मामला है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाने में 26 और 27 को 2 अलग लूट की वारदात की शिकायत फरियादियों द्वारा दर्ज कराई गई, जहां दोनों फरियादियों द्वारा बताया गया कि वो कार जिसकी नंबर जो है वो 1738 है, उसे लिफ्ट लेकर बैठे थे, जिसमें सवार 4 लोगों ने उस साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कार फिर शिवपुरी से ग्वालियर की ओर जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराना प्राइवेट बस स्टैंड पर एक दुकान में देर रात आग लगने की खबर सामने आई, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा दुकान मालिक को दी गई। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, पर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद दुकान मालिक ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी डालकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार पुराना प्राइवेट बस स्टैंड स्थित बत्रा बेकरी और एजेंसी पर रात लोगों को धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद देर रात 3:30 बजे इसकी सूचना दुकान मालिक को दी गई। पता नहीं अभी कोई लोग सुबह 3:30 बजे घर पे आए थे कि धुआं निकल गया है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लग गई। पक्की बात है, आज सवेरे की बात है 3:30 बजे। अच्छा, तो नुकसान लगभग कितना हो गया? नुकसान हो गया 1-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 1-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो आपको जानकारी कब लगी? सवेरे कोई यहाँ घूमने वूमने वाले आए, उन्होंने कि धुआं निकल रहा है घर पर आए थे कहने, फटाफट आके हमने खोला तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नीचे आयकर विभाग की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद शहर के जाने माने निर्यातक सीएल गुप्ता के अमरोहा स्थित फर्म पर छापेमारी की। आईटी की टीम लगभग सुबह 5:30 बजे के करीब चौधरपुर स्थित सीएल गुप्ता की फर्म पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ सीएल गुप्ता ग्रुप के अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट, सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल से ही आयकर विभाग लगातार उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर चुका है। आपको बता दें कि इनका टर्नओवर 500 करोड़ बताया जा रहा है सालाना, इसी वजह से कार्रवाई की जा रही है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।